एवरेज पावर विद कैपेसिटर, कैपेसिटर की इक्वेशंस क्या है, ई की ई नॉट साइन ओमेगा टी, कैपेसिटर में करंट आ गया है वोल्टेज से मैंने एंगल ऑफ पाई बाई टू, मैथ्स में साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या है ई इंटू आई, डी टी राइट साइड पर चला गया, सेम डेरिवेशन है, इंडक्टर में माइनस चल रहा है इसमें माइनस नहीं चल रहा, आंसर पता ही है जीरो आएगा, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, टू इंटू साइन इंटू कॉस क्या बनेगा साइन टू ओमेगा टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे इसका आंसर जीरो आएगा, वर्क डन जीरो आ जाएगा, एवरेज पावर जीरो आ जाएगी। तो इंडक्टर और कैपेसिटर की एवरेज पावर हमेशा क्या आती है, जीरो ओवर कंप्लीट साइकिल, रेजिस्टर में नहीं आती जीरो।